प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए सफाई अभियान के तहत लुधियाना भाजपा द्वारा एक विशेष मीटिंग का आयोजन सर्किट हाउस में भाजपा प्रधान प्रवीण बांसल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रवीण बांसल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शहर के 6 अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो कि 1 नवम्बर को शहर के अलग अलग मंदिरों व चौकों में बिखरी पूजा सामग्री को इकट्ठा कर सतलुज दरिया में जल प्रवाहित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान छठ पूजा के कारण फैली गंदगी को हटाने के लिए विशेष सफाई अभियान में सफाई की जाएगी। इस मौके पर अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जनता पार्टी लुधियाना वालों जो अभियान श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया सी, भारतीय जनता पार्टी लुधियाना वालों एक अलग तौर पर लिता गया। भाई दूज वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो भी धार्मिक समान देवी दूर्तियां माता दूर्तियां उन्होंने स्वरूप कैलेंडर कार्ड ऐसा कोई भी समान जोड़ा लोग मंदिरों च पार्कों के खुंजियाँ या पिपल थले छगड़ देंगे उस समान इकट्ठा करते हुए सतलुज दरिया से जोड़ा घुलने वाला समान से मिट्टी का समान से जल प्रवाह किया, बाकी समान जरा उत्थे अग्नि पेंट किया। लेकिन उत्थे ही गंदगी देख के उत्थे ही पूजा का समान देख के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि शनिवार को पूरे लुधियाने 6 टीम अलग अलग जगह तो उस समान इकट्ठा कर दिया हुई करीब 11 बजे दरिया से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना खाना ना लैके उत्थे पहुँचे और उस कंडे की चंगी तरह सफाई करे और जिस तरह अभी पहला जोड़ा समान घोलन वाला सर जल प्रवाह करा तो बाकी समानों अग्नि भेंट करते हुए जो मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है असं उस एक पार्ट बना और जो प्रोसैस है कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तुम तो बाद अभी सफाई वास्ते होर भी अभियान लगा।